हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को और साथ में दी गई घंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों, उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसा रोग है जो आज के समय में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है बढ़ता तनाव, फास्ट फूड का लगातार सेवन और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। यही वजह है कि आज लगभग हर तीसरा व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है। हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी बाकी समस्याओं को भी जन्म देता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस रोग को तुरंत कंट्रोल कर लें। इसके लिए आपको महंगी महंगी दवाओं की भी आवश्यकता नहीं है। आज की अपनी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सर्वश्रेष्ठ घरेलू उपायों और योग प्राणायामों के बारे में बताएंगे जो तेजी से और आसानी से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का जड़ से सफाया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रैक्टिकल उपाय में हम नींबू और काली मिर्च का प्रयोग कर एक ऐसे खास ड्रिंक को तैयार करेंगे जो उच्च रक्तचाप को काबू करने के साथ साथ हृदय को भी सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं दूसरे उपाय में हम जानेंगे कि कैसे दालचीनी, शहद और लहसुन की ड्रिंक खून में बने थक्कों को दूर कर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। जबकि तीसरे उपाय में हम अश्वगंधा, दूध और गुलाब जल से एक मिश्रण को तैयार करेंगे जो कुछ ही दिनों में रक्तचाप को नॉर्मल स्तर पर लाने में मदद करते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से योग प्राणायाम हैं जिनका नियमित अभ्यास न सिर्फ रक्तचाप को नियंत्रित करता है बल्कि शरीर को रोग मुक्त और हष्ट पुष्ट भी बनाए रखता है। उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने के घरेलू उपाय। पहले उपाय में हम काली मिर्च पाउडर और नींबू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप आधा गिलास हल्का गर्म पानी ले लें और फिर उसमें एक चम्मच काली मिर्च पाउडर और दो चम्मच नींबू का रस अच्छे तरह से मिला लें। इस ड्रिंक को आप हर दो दो घंटे के बाद लें। ये उपाय ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया और आसान उपाय है। दरअसल जब धमनियों की दीवारों पर ज्यादा वसा यानी कि कैल्शियम जमा होने लगता है तो उससे रक्त प्रवाह में रुकावट आ जाती है जो उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। लेकिन काली मिर्च और नींबू की ये ड्रिंक न सिर्फ इस वसा को साफ कर रक्त संचार को बेहतर बनाती है बल्कि हृदय को भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप इस ड्रिंक का सेवन जरूर करें। दूसरा उपाय, जब रक्त गाढ़ा हो जाता है या फिर रक्त में थक्का जमने लगता है तो यह रक्त प्रवाह को धीमा कर देता है और धमनियों को कठोर कर देता है और यह भी उच्च रक्तचाप को पैदा करता है। इस समस्या से तुरंत निजात पाने के लिए और अपने बढ़ते रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आप आधा गिलास गुनगुना पानी ले लें और फिर उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद और एक लहसुन की पिसी हुई कली को डालें। अब आप इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लें और फिर इस ड्रिंक को पी जाएं। ये उपाय आपको रोजाना सुबह खाली पेट अपनाना है। जल्द ही ये उपाय आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को और बाकी हृदय रोगों को दूर कर देगा। तीसरा उपाय, सबसे पहले आप एक कटोरी दूध ले लें और फिर उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और दो चम्मच गुलाब जल की मिला लें। इस तैयार मिश्रण को आप रोजाना दिन में दो बार लें। कुछ ही दिनों में आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप फिर से नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि जब तक आप इस औषधि का सेवन कर रहे हैं तब तक आप तली भुनी चीज़ों को ना खाएं और अपने खाने में नमक का सेवन भी कम कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है।
दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को और साथ में दी गई घंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हाई ब्लड प्रेशर दूर करने के योगासन। शवासन। शवासन को उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण आसन माना जाता है, क्योंकि इस आसन को करने के लिए हमें अपने शरीर को मुर्दे की स्थिति में लाना होता है, इसलिए इसे शवासन भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और अपने सभी अंगों और मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। अब आप अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांसों को लें और छोड़ें। आप जितनी ज़्यादा गहरी सांसें लेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा शांति मिलेगी और आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। 5 मिनट ऐसा करने के बाद आप अपने हाथों और पैरों को थोड़ा फैला लें और फिर से गहरी सांसें लें। इस तरह आपको इस प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट तक करना है। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम भी मन को शांत कर क्रोध को नियंत्रित करता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को काबू करने में मदद करता है। तो आप सबसे पहले सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं और उसके बाद हाथों को घुटने पर रखकर ज्ञान मुद्रा में आएं। अब आप अपनी आंखों को बंद करें और मन को शांत होने दें। इसके बाद आपको अपनी जीभ को दोनों किनारों से मोड़कर उसे एक नली की तरह बनाना है और मुंह से सांस लेनी है। अब आप कुछ देर तक सांस को रोक कर ही रखें और फिर नाक के छिद्रों से सांस को बाहर छोड़ें। इस आसन को आप 10 बार जरूर अपनाएं। आप अपने तन मन में शीतलता महसूस करोगे। अगर आप इस आसन को नियमित रूप से रोजाना अपनाते हो तो ये उपाय जल्द ही हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट के रोग और चर्म रोग को दूर करता है। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये ना सिर्फ उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है बल्कि मेरुदंड और कमर के नीचे के हिस्सों के तनाव को भी दूर करता है। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले जमीन पर लेट जाएं और फिर इतनी गहरी सांस लें कि आपके फेफड़े भर जाएं। उसके बाद आप अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ें और हाथों से पकड़कर उसको अपने पेट पर लगाने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने सिर को उठाकर अपनी नाक को भी घुटने पर लगाने की कोशिश करें। इस दौरान आप जब तक हो सके सांस को रोके रखें, फिर सामान्य अवस्था में आकर सांस को छोड़ें। अब आप इस आसन को दूसरे पैर से भी करें। 5 बार आप इस आसन को दोहराएं। जल्द ही आपके बढ़े हुए रक्तचाप का स्तर गिरकर सामान्य हो जाएगा। दोस्तों ये है बीपी को नियंत्रित करने के कुछ प्रभावशाली उपाय और योग एक्सरसाइजेज। तो अगर आप भी अपने बढ़ते हुए रक्तचाप से परेशान हैं तो आप आज से ही इन उपायों को अपनाएं और इनका फायदा उठाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को और साथ में दी गई घंटी को जरूर बजाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी सभी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी इन उपायों को अपनाकर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और सामान्य कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।